हेलो फ्रेंड्स, फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पांच तरह के मिल्क शेक। जी हाँ, पांच तरह के मिल्क शेक बनाएंगे क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। अब मिल्क शेक, शरबत, जूस, बस यही सब कुछ चलेगा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और होली का त्यौहार आ रहा है तो उसमें भी आपके घर जो गेस्ट आएंगे उनको आप शेक, मिल्क शेक वगैरह पिला सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पाँच तरह के मिल्क शेक मैं आपको सिखाऊँगी, जो कि हैं इस तरह से। एक होगा स्ट्रॉबेरी का, एक होगा चीकू का, एक होगा कीवी का, एक केले का यानी कि बनाना, और एक ये वाटरमेलन यानी कि तरबूज। इनके हम शेक बनाएंगे। तो शुरू करते हैं शेक को बनाना। सबसे पहले हम तरबूज का शेक बनाएंगे। तो हम ये कटा हुआ तरबूज जो है इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें मैं डालूंगी दूध। क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। और इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच चीनी। चीनी मैं हल्की रख रही हूँ। इसको बंद कर देंगे और इसका हम शेक तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, तरबूज का जो है मिल्क शेक तैयार हो गया है। इसको हम इसमें डाल देंगे गिलास में, और इसके ऊपर मैं डालूंगी कुछ छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए तरबूज के। अब मैं बनाऊंगी चीकू का मिल्क शेक। चीकू को हम इसमें जार में डाल देंगे। एक चम्मच चीनी लेंगे, इसमें दूध डाल देंगे और इसको हम दोबारा से मिक्स कर देंगे। चीकू का शेक भी तैयार हो गया है। चीकू के शेक को अब हम गिलास में डाल देंगे। अब हम बनाएंगे कीवी का मिल्क शेक। कीवी डालेंगे, दूध को डाल देंगे, इसमें भी हम एक चम्मच चीनी डाल देंगे। इसको बंद कर इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। कीवी का जूस तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बनाना शेक। बनाना शेक जो है ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत हेल्दी होता है हर एक के लिए। इसमें डालेंगे एक चम्मच चीनी, इसमें डालेंगे हम दूध, इसको बंद कर देंगे। बनाना शेक तैयार हो गया है। इसको भी अब हम एक गिलास में सर्व कर लेंगे। अब हम बनाएंगे सबकी पसंद का स्ट्रॉबेरी शेक। तो स्ट्रॉबेरी हमने काट ली है, अच्छी मीठी स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी लीजिए। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी। इसमें चीनी मैं आधा चम्मच और डालूंगी क्योंकि कई बार जो स्ट्रॉबेरी है वो थोड़ी खट्टेपन में होती है। इसमें डाल देंगे दूध, इसको बंद कर देंगे। स्ट्रॉबेरी शेक, मिल्क शेक जो है तैयार हो गया है। ये देखिए, इसके ऊपर कुछ पीसेस में कटे हुए स्ट्रॉबेरी के डालूंगी। देखिए, पांच तरह के बढ़िया से फ्रेश फ्रूट के मिल्क शेक तैयार हैं। इसमें कोई कलर फूड नहीं है, कोई मैंने कुछ भी इसमें एसेंस नहीं डाला, एज इट इज रखे हैं आप लोगों के सामने। तो इसको आप बनाइए, बहुत हेल्दी हैं, बच्चों को पसंद आएंगे। और देखिए, सबके कलर्स, सब शेक्स अलग अलग बिल्कुल लग रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं। इसमें आप चाहें तो बर्फ़ डाल सकते हैं, बर्फ़ डाल के भी पी सकते हैं, पर अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें गर्मियों को और त्योहारों को। थैंक यू।